स्वागत है मित्रों आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस चैनल इलेक्ट्रॉनिक स्टडी में। नमस्कार, आज के अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर 2018 से पाठ योजना के बारे में। तो अभी तक मैं पिछले अपने वीडियोस में जो डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर था, चौथा सेमेस्टर, उसके लेसन प्लान के बारे में बात कर रहा था। आज मैं बात करूंगा दूसरे सेमेस्टर से, सेकेंड सेमेस्टर से लेसन प्लान को लेकर के। तो पाठ योजना इसमें देखेंगे, जो आपकी डेट होगी वो आपको पता है, आपके रेस्पेक्टिव जो टीचिंग की डेट होगी वो आप इसमें जो है आप डालेंगे। क्लास फर्स्ट होगी, कक्षा एक है इसमें। जो पीरियड चल रहा है वो तीसरा चल रहा है, अवधि 30 मिनट्स की है, विषय है हिंदी, और जो प्रकरण है वो है दुलारी की गागर। तो बात करते हैं इसमें सामान्य उद्देश्य को लेकर के। एक छात्रों में हिंदी विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना, ये पहला उद्देश्य है। एक छात्रों में शुद्ध हुआ स्पष्ट हिंदी पढ़ने व लिखने की क्षमता का विकास करना। उसके बाद जो तीसरा है वो है छात्रों के शब्द भंडार में वृद्धि करना। और जो लास्ट सामान्य उद्देश्य है वो कहता है छात्रों को हिंदी भाषा के महत्व से परिचित कराना। तो आप सभी को मैं बता दूं, जो है अभी मैं यहाँ पर जो है बता रहा हूँ आपको लेसन प्लान, एक दो लेसन प्लान का मैं कोशिश करूंगा, दो लेसन प्लान्स की मैं पीडीएफ जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप लिंक से जा करके वहाँ गूगल ड्राइव से डाउनलोड कर सकते हैं उसको। जिन भी मित्रों को नहीं पता कि डिस्क्रिप्शन में कैसे जाया जाता है, उसका वीडियो मैंने बना दिया है, जो है वो आप जाके वो वीडियो को फॉलो करिए, उसको देखिए एक बार, वहां से आपको पता लग जाएगा कि कैसे डिस्क्रिप्शन में जाके जो है लिंक से आप पीडीएफ डाउनलोड कर पाएंगे। ठीक है, तो बात करते हैं आगे इसमें विशिष्ट उद्देश्य को लेकर के। इसमें लिखा है छात्रों को दुलारी की गागर कहानी बताते हुए उसके महत्व के विषय में बताना। टीचिंग गाइड्स के बारे में बात करते हैं। सहायक सामग्री इसमें है कहानी से संबंधित चार्ट एवं मॉडल। प्रीवियस नॉलेज यानी पूर्व ज्ञान में एक छात्र पानी भरने वाले बर्तनों व गगरी गागर आदि के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं। ये तो बात हो गई जो है प्रीवियस नॉलेज या पूर्व ज्ञान को लेकर के। आगे बात करते हैं इसमें प्रस्तावना के बारे में। तो प्रस्तावना में लिखा हुआ है छात्र अध्यापिका का कथन और छात्र कथन। इसमें है छात्रों पानी किस काम आता है, तो पानी पीने के काम आता है। उसके बाद है पानी किस बर्तन में रखा जाता है, ये सवाल। इसका जो छात्र उत्तर देंगे कि घड़े में, बाल्टी में, गागर में, हम पानी किसी में भी रख सकते हैं। उसके बाद आता है कि दुलारी पानी भरने कहाँ गई थी। तो ये है समस्यात्मक सवाल, क्योंकि बच्चों ने वो अभी पाठ नहीं पढ़ा है। ठीक है, आप गागर का ऐसे चित्र बना करके चस्पा कर सकते हैं, चिपका सकते हैं। आगे बात करते हैं उद्देश्य कथन को लेकर के। उद्देश्य कथन में है कि छात्रों आज दुलारी की गागर पाठ का अध्ययन करेंगे। प्रस्तुतिकरण पे आते हैं इसमें, जब हम बात करेंगे रिप्रेजेंटेशन को लेकर के। तो प्रस्तुतिकरण में आपका है छात्र अध्यापिका की क्रिया और छात्र क्रिया फिर से। इसमें है छात्र अध्यापिका दुलारी की गागर कहानी का उचित भाव व लय के साथ शुद्ध उच्चारण का ध्यान रखकर आदर्श वाचन करेंगी और छात्र उसको ध्यानपूर्वक सुनते जाएंगे। दूसरा इसमें लिखा हुआ है पॉइंट, छात्र अध्यापिका किसी एक छात्र को पढ़े हुए गद्यांश को पढ़ने के लिए कहेंगे और अन्य छात्र उस छात्र का जो है उस छात्र का अनुसरण करेंगे। आगे इसमें छात्र अध्यापिका पाठ के कठिन शब्दों का उच्चारण करेंगी व छात्रों से उच्चारण करने के लिए कहेंगी और जो अन्य छात्र हैं वो कठिन शब्दों का उच्चारण करेंगे। तो कठिन शब्दों को यहाँ पर देख लेते हैं क्या कुछ कितने हैं। जैसे इसमें लिखा है कि मुंह फाड़ा मतलब मुंह खोला, खोलना, अटक गई मतलब फंस गई, हड़बड़ा गया मतलब घबरा गया। तो ये हो गए कुछ जो है काठिन्य शब्द। बोधात्मक सवाल के बारे में बात कर लेते हैं इसमें, मगरमच्छ के मुंह में क्या फंस गया, तो मगरमच्छ के मुंह में गागर फंस गई। उसके बाद जो दूसरा सवाल है दुलारी पानी भरने कहाँ गई थी, तो दुलारी पानी भरने इसमें अभी ये स्पेस खाली है जो है। तो ये सवाल बोधात्मक सवाल में आप बता सकते हैं जब आप क्वेश्चन पढ़ेंगे, यहाँ पर शायद लिखा नहीं गया है। ठीक है, नेक्स्ट जो है अगर वो होगा तो मैं इसमें जो है जो ये फिल है उसको मैं फिल कर दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट लेसन प्लान के तहत। तो बात करते हैं श्यामपट्ट कार्य के बारे में। इसमें लिखा हुआ दुलारी की गागर, तो मगरमच्छ के मुंह में क्या फंस गया, तो मगरमच्छ के मुंह में गागर फंस गई। तो दुलारी पानी भरने कहाँ गई थी, तो इसका जो है दुलारी पानी भरने कहाँ गई थी, तो यहाँ पर पानी भरने, उसके बाद यहाँ पर स्पेस छूटा हुआ है। ठीक है, आगे बात, ये तो बात हो गई श्यामपट्ट कार्य के बारे में। आगे देखते हैं इसमें निरीक्षण कार्य यानी कि जो इंस्पेक्शन वर्क है। इसमें है जब छात्र श्यामपट्ट पर कार्य कर रहे होंगे तो एक छात्र अध्यापिका कक्षा में घूम घूम कर निरीक्षण कार्य करेंगी व आवश्यकता अनुसार उनकी सहायता करेंगी। पुनरावृत्ति कार्य के बारे में बात कर लेते हैं। इसमें लिखा है सबसे पहले कौन छींका, और उसके बाद दूसरा सवाल है दुलारी और भोलू क्या भरने गए। ठीक है, गृह कार्य होमवर्क में दिया है, सही मिलान करिए, कौन किसकी बोली, उसके बाद बिल्ली के आगे चींची लिखा हुआ है, चिड़िया के आगे लिखा हुआ है म्याऊं म्याऊं, कुत्ता के आगे खों खों और बंदर के आगे भौं भौं। तो आपको इसमें मिलान करना है और फिर से राइट साइड में आपका जो है जो प्रधान अध्यापक आपके होंगे उनके हस्ताक्षर और यहाँ पर उनके मुहर, और लेफ्ट में जो है आपका जो रेफरेंस बुक होगी जिससे आप पढ़ा रहे हैं। तो फिलहाल मित्रों इस वीडियो में बस इतना ही था, लेसन प्लान को लेकर के मैं बात कर रहा था, हिंदी लेसन प्लान को लेकर के आपका बीटीसी डीएलएड सेकंड सेमेस्टर से, जो कि आपका हिंदी विषय से संबंधित था, जो प्रकरण था वो है दुलारी की गागर। आप सभी से अनुरोध है
कि बाएं और दाएं साइड में आ रहे वीडियोस को भी आप जरूर देखें। जो भी हमारे नए मित्र मेहमान हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, बीच वाले बटन जो इलेक्ट्रॉनिक स्टडी यहाँ पे लिखी हुई है इस पे आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं अगर, तो आपको वीडियो सबसे पहले देखने को मिलेंगी, आप तक एक नोटिफिकेशन एक मैसेज पहुंच जाया करेगा जो भी वीडियोस मैं अपलोड करूंगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।